तो ही बताइए, अगर वो यहां तक पहुंची है तो फिर उसमें मर्दों का कोई हाथ नहीं। अगर उन्होंने ऐसा बोला है कि मर्दों ने हमारी करियर चौपट कर दी, तो जितना करियरवा है वो बनाया किसने है? ये भी सवाल उनका आपको पूछना जरूर। वही प्रॉब्लम है बाबा कि हमारी योगदान आप भूल जाते हैं। हाँ हम आपको 25 बार मदद किए, वो आपको याद नहीं रहता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप किसी को कह रहे हो कि इन्होंने हमें बर्बाद कर दिया, तो अभी तक जो आप आबाद हुए उसमें कितना किसका चलो योगदान ठीक है? है अक्षरा। भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव एक जमाने में अक्षरा सिंह से प्यार किया करते थे। अक्षरा सिंह और खेसारी लाल यादव की जोड़ी भी लोगों को खूब पसंद आती थी। दोनों के रिलेशनशिप की खबरें भी आए दिन अखबारों में छापी जाती थी और खूब सुर्खियां भी बटोरती थी। लोग इनके अफेयर्स के चर्चे जोरों शोरों पर करते थे और ये बात सच भी थी। अक्षरा और खेसारी में एक रिलेशनशिप तो था, एक रिश्ता था, एक प्यार था, लेकिन बावजूद इसके एक रोज ऐसा हुआ कि दोनों अलग हो गए। इसके बाद अक्षरा सिंह पवन सिंह के साथ रिलेशन में आ गई। अब ये सब कैसे हुआ, आइए इस वीडियो में जानते हैं। दरअसल एक पॉडकास्ट के दौरान शुभांकर मिश्रा ने खेसारी लाल यादव से जब ये सवाल किया कि अक्षरा सिंह ने जब आपसे ब्रेकअप किया था तब आप पर बहुत सारे सवाल उठाए थे, अब हम जानना चाहते हैं कि उन सवालों में कितनी सच्चाई है। आपको बता दें कि अक्षरा सिंह ने कहा था कि भोजपुरी इंडस्ट्री मर्दों की इंडस्ट्री है, यहाँ पर उन्हीं की चलती है, यहाँ पर औरतों को तवज्जो नहीं दिया जाता। अगर आप किसी की गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है और आप दोनों में अगर झगड़ा हो जाता है तो उस पर्सनल इशू को अपने प्रोफेशन के बीच लाया जाएगा और जम के बदला लिया जाएगा। कोशिश किया जाएगा कि उसे सुसाइड करने पर भी मजबूर कर दिया जाए। अक्षरा सिंह ने यह भी कहा था कि यहाँ पर अपने पर्सनल रिलेशनशिप के ब्रेकअप्स के जो बदले हैं वो सरेआम लिए जाते हैं। जब मैंने खेसारी से ब्रेकअप किया था, जब हमारा ब्रेकअप हो गया था, जब हम अलग हो गए थे, तो उन्होंने मुझे अपने फिल्मों से निकाल दिया, मुझे काम न मिले इस तरह से भरपूर कोशिश की। मतलब कि अक्षरा सिंह ने सीधे तौर पर कह दिया था कि यहाँ पर भोजपुरी इंडस्ट्री में मर्द मिलकर हर औरत को हद तक परेशान करते हैं, यहाँ तक कि वो उन्हें बर्बाद करते हैं, उनका करियर बर्बाद करते हैं। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जैसे बहुत सारे मेल एक्टर्स हैं जिन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया था। आपको बता दें कि अक्षरा सिंह ने यह भी कह दिया था कि एक बीच मेरे पास कमाने का कोई जरिया नहीं था, जिस वजह से मैं रील बनाने लगी और स्टेज शो करने लगी, एक्टिंग छोड़नी पड़ी, जबकि मैं एक्टिंग में अच्छी हूँ और सिंगिंग में मजबूरी में स्टार्ट की क्योंकि मुझे रोजी रोटी के लिए कुछ तो चाहिए ना। इन तमाम सवालों पर खेसारी ने भी अपना जवाब इंटरव्यू के दौरान दे दिया है। खेसारी ने कह दिया है कि अगर हमने बर्बाद किया है तो फिर आबाद किसने किया है? अगर करियर हमने चौपट किया है तो जो थोड़ा बहुत आज करियर है, जो नाम है, उसे फिर किसने बनाया है? खेसारी ने कह दिया है कि हमने जितने एहसान किए, जितने बार किए, वो लोग भुला देंगे, लेकिन एक बार भी अगर कोई छोटी मोटी गलती हो गई तो उसे बार बार दोहराएंगे। खेसारी लाल यादव का कहना है कि अक्षरा सिंह आज जो भी हैं वो हमारे ही बदौलत है, चाहे हम हो, चाहे रवि किशन हो, चाहे पवन सिंह हो, उनको ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। फिल्मी लाइन में रवि किशन भैया की वजह से वो आए, अच्छी अच्छी फिल्में, अच्छा पहचान मेरे वजह से मिला, और भी सुर्खियां बटोरी, गाना गाना पवन जी से सीखे, लेकिन बावजूद इसके इन सब का एहसान मानने के बजाय उनका कहना है कि भोजपुरी इंडस्ट्री महिला विरोधी है और मर्द पर्सनल बदला निकाले हैं उनसे। आपको बता दें कि अक्षरा सिंह से ब्रेकअप के बाद खेसारी लाल यादव ने भी बहुत सारे बयान दिए हैं। खेसारी लाल यादव के मुताबिक अक्षरा सिंह ने उन्हें प्यार में धोखा दिया है। खेसारी ने कहा कि वो शुरुआत में जब इंडस्ट्री में आए थे तो अक्षरा सिंह से बेइंतहा प्यार करते थे, वही उनका पहला प्यार थी, लेकिन अक्षरा सिंह ने उन्हें धोखा दिया क्योंकि वो पहले से ही जानती थी कि वो ये सब नाटक कर रही हैं, लेकिन मेरे लिए वो सच्चा प्यार था। आपको बता दें कि खेसारी के अकॉर्डिंग उनके पास या किसी के भी पास इतना टाइम नहीं है कि वो उनको बायकॉट करे या फिर उनका बहिष्कार करे, उनका करियर चौपट करे। ये उनकी अपनी सोच है, अपनी मानसिकता है, जबकि सच्चाई ये है कि सभी ने उनकी मदद की है और आज वो जो कुछ भी हैं उन सभी के बदौलत ही हैं।
और इसका एहसान मानने के बजाय वो उल्टा लोगों को दोषी करार दे रही हैं, तो ये उनकी गलती है। वेल, ये था खेसारी लाल यादव का अक्षरा सिंह के तमाम सवालों पर और इल्ज़ामों पर बयान। आपको इन सब पर क्या लगता है, आपको कौन सही कौन गलत लगता है, अपनी राय कमेंट करें। और इस तरह के तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।